क्या आपके व्यूज वगैरह डाउन जा रहा है, आपका चैनल एकदम डाउन से जा रहा है, आपके वीडियो पे कोई व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, आपका चैनल एकदम डाउन चलेगा, तो इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका CTR। चाहे आपका नया चैनल हो चाहे आपका पुराना चैनल हो, उस पर आपके व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, व्यूज एकदम से डाउन जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं बिल्कुल, जो आपको रीच मिलनी चाहिए वो आपको रीच मिल नहीं पा रही है। ये CTR क्या होता है मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। CTR होता है हमारा क्लिक थ्रू रेट। जैसे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी, वो वीडियो यूट्यूब ने 100 लोगों तक इम्प्रेशन उसका पहुंचाया, उसमें से 10 लोगों ने मेरी वीडियो पर क्लिक करा और वॉच करा, तो CTR हो जाएगा 10%। मतलब कि हमारी वीडियो 100 लोगों तक यूट्यूब ने पहुंचाई, 100 में से उसमें 10 लोगों ने हमारी वीडियो को वॉच करा, क्लिक करके वॉच करा, तो हमारा क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा 10%। तो ये हमारा होता है CTR। 100 में से 6 लोगों ने क्लिक करा तो हमारा क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा 6%। ऐसे हमारा ये क्लिक थ्रू रेट होता है। अब आपका CTR कैसे बढ़ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा CTR होता है थंबनेल, है ना। जैसे जितने ज्यादा हमारा थंबनेल अच्छा हुआ, क्लिकबेट हुआ, उतने ज्यादा हमारे क्लिक्स वगैरह आएंगे, उतना ज्यादा हमारा क्लिक रूट बढ़ता जाएगा। अब जी आपको बढ़ाना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको थंबनेल एकदम सिंपल रखना है, आपको अपोजिट कलर का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे साइड में एक इमेज दिखा, जैसे कलर अपोजिट की इमेज है ना, रेड का अपोजिट क्या होता है, रेड का अपोजिट होता है ग्रीन, और येलो का अपोजिट होता है वॉलेट कलर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है अपोजिट कलर वगैरह, इसको आप गूगल से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं। मैं गूगल पे करता हूँ क्लिक, गूगल पे क्लिक करने यहाँ पे आपको सर्च करना है कलर अपोजिट। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च करा कलर अपोजिट ग्राफ, है ना, तो यहाँ पर आप इसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप एक इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर का अपोजिट है ब्लू वॉलेट, और यहाँ पे रेड का है ग्रीन, और ब्लू का ऑरेंज है, यहाँ पे जैसे अपोजिट कलर है हमारे। अगर आप अपोजिट कलर का यूज करोगे अपने थंबनेल में, तो आपका क्लिक थ्रू रेट काफी अच्छा हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, और भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। क्लिक थ्रू रेट का करना है ये भी चीज होती है, जैसे कि आपने किस टॉपिक अपनी वीडियो बनाई है, या वो ट्रेंडिंग टॉपिक है या वो एवरग्रीन टॉपिक है। तो एवरग्रीन टॉपिक जो होते हैं ना, जो बार बार सर्च करे जाते हैं, उन पे क्लिक थ्रू रेट हमेशा डाउन ही रहता है, वो धीरे धीरे आते रहते हैं सर्च में, से धीरे धीरे उन पे व्यूज वगैरह आते हैं, तुरंत ही व्यूज नहीं आते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो अपनी बनाओगे इस समय सर्च में ज्यादा है, उस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने के चांसेस रहते हैं। जैसे इस समय अभी होली चल रही है, आप होली पे बनाओगे तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे आप इस समय IPL वगैरह चल रहे हैं, तो उन पे आप वीडियो बनाओगे, वीडियो वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बता, जैसे कि आपकी वीडियो पे व्यूअर ने क्लिक करा थंबनेल देख कर, जो वीडियो का जो थंबनेल है ना वही शुरुआत में उसको मिलना चाहिए, तब वो आपकी वीडियो को देखेगा पूरा, नहीं तो वो वीडियो छोड़ के चला जाएगा। और आप अपनी वीडियो प्रॉपर आपको एसईओ वगैरह करना पड़ेगा, तब आपकी वीडियो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो पाएगी, और आपको चैनल भी ग्रो होता जाएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम भी फिक्स करनी नहीं पड़ेगी, आपकी डेली व्यूज अच्छे खासे आएंगे। जो अपोजिट कलर होते हैं ना, उनका आप यूज करोगे अपनी थंबनेल पर। अगर आपको जो वीडियो चले वीडियो करते लाइक चैनल को कर लें, सब्सक्राइब बटन पर कर लें प्रेस। 10 सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको यूट्यूब पर कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये वीडियो मैं एंड स्क्रीन यहाँ पे लगा देता हूं, इसको आप जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।